हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने टेक हेल्प इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर। आज की मेरी स्टूडियो के अंदर दोस्तों मैं लूना कॉइन को, यूएसटी कॉइन को कवर करने वाला हूँ। किस किस को एयर ड्रॉप मिलने वाला है, अगर आपने पहले से बाई किया हुआ था अटैक से पहले तो आपको कितने टोकन मिलेंगे, और आपने बाई चांस अटैक के बाद बाई किया था कि चलो थोड़ा डिप में मिल रहा है, प्रॉफिट होगा, पर उसके बाद फिर से डंप हो गया था, तो उस टाइम उस कंडीशन में भी कि आपको लूना का एयर ड्रॉप मिलने वाला है, और कौन कौन से एक्सचेंजेस इसका सपोर्ट कर रहे हैं, और आपने के पास अगर पहले से जो टोकन थे, मान के चलते हैं आपने 4 दिन 3 दिन पहले या कल के दिन जब अनाउंसमेंट हुआ था कि इसका एड्रॉप आने वाला है, 27 तारीख को डिक्लेयर कर दिया गया था, तो आपने उस वक्त भी बाय किया था। उस वक्त बाय करने से अभी 35 से 40% मार्केट पम्प भी हुई थी लूना की, तो उस कंडीशन में भी क्या आप अब जैसे काफ़ी सारे एक्सचेंजेस ने उसे रिमूव कर दिया है लूना को, आप बाइनेंस में भी जाके देखोगे इस वक्त लूना टोकन या यूएसटी टोकन आपको नहीं देखने को मिलेगा, तो उस कंडीशन में क्या आपको टोकन मिलने वाले, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के साथ ऑल नोटिफिकेशन बटन को भी ज़रूर दबाइएगा। लेकर चलता हूँ आपको न्यूज़ पर। बाइनेंस के ट्विटर पेज पर देखिए, इन्होंने टेरा नेटवर्क एयरड्रॉप टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बाइनेंस, ठीक है, 2.0 जो टोकन आने वाला है। सीधा लेकर चलते हैं उस न्यूज़ पर। 26 तारीख को शाम को 6:30 बजे की न्यूज़ है, आज से करीब करीब 1.5 दिन पहले की। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि लूना के अंदर काफ़ी अच्छा खासा पंप भी देखने को मिला। ये देख लेते हैं, जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ, ठीक है, शाम को 6:30 बजे के आसपास, तो आप लूना में देखोगे लूना में 37% तक का पंप हुआ, और यूएसटी में ऑलमोस्ट 87% तक का पंप हुआ, करीब करीब डबल ही, ठीक है। तो दोनों ने काफ़ी मैसेज गेन लिया, और उसके बाद दोबारा से डंप हो गए क्योंकि एक्सचेंजेस ने इसको हटा दिया है, अपने सस्पेंड कर दिया ट्रेडिंग के लिए। बाइनेंस विल रीनेम द करंट नेटवर्क एज टेरा क्लासिक नेटवर्क। सिंपल सा फंडा है, आपके पास जो लूना टोकन थे वो LUNC टोकन अब कहे जाएंगे, ठीक है, और आपके पास अगर USD थे तो USDC कहा जाएगा। अब बात करते हैं डिपॉजिट एंड विड्रॉल सस्पेंडेड कब से हो गया है। 26 तारीख से शाम को 7:30 बजे से ये सस्पेंड हो गया, 6:30 बजे की न्यूज़ थी, 7:30 बजे से ये सस्पेंड कर दिया गया। 25 तारीख की न्यूज़ थी शाम को, और ये 7:30 बजे से इसको सस्पेंड कर दिया गया, यानी कि 24 घंटे का आपको वक्त दिया गया था। लूना BUSD एंड USD BUSD ये भी सस्पेंड कर दिए गए, अगर आप बाइनेंस पे जाकर देखोगे आपको वो टोकन दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। ये देखिए ये पेयर सस्पेंड कर दिए गए हैं। ऑल पेंडिंग स्पॉट ऑर्डर्स विल भी कैंसिल हो जाए, तो आपके ऑर्डर कैंसिल हो जाएंगे। इन सब का लूना का LUNC नाम रख दिया गया है, और USD का USDC, जिनके पास पुराने थे, ठीक है। मतलब ये टोकन भी दिखाई देंगे आपको, पर ये कचरा हो जाएंगे, समझ लीजिए, थोड़े टाइम छोड़ देंगे, उसके बाद फिर इसे भी रिमूव शायद कर दिया जाए। और द टिकर फॉर द USD ओल्ड, इसको USDC कहा जाएगा, लूना को LUNC कहा जाएगा। अब ट्रेडिंग, ये जो पुराने वाले टोकन हैं आपके पास, अगर आपने पुराने टोकन बाय किए हुए थे और कल से गायब हो गए, वो दिख नहीं रहे हैं परसों से, तो ये आपको 30 तारीख को 9:30 UTC, यानी करीब करीब 9:30 में आप ले लीजिए, 3 बजे के आसपास आपको ये टोकन आपके बायनेंस अकाउंट पे इस ट्रेडिंग पेयर में दिखने लग जाएंगे, इस नाम से, LUNC के नाम से और USDC के नाम से, अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो। और डिपॉजिट और विड्रॉल भी 30 तारीख को शुरू हो जाएगा, अगर आपके पास कहीं और पड़े हैं तो वहाँ से आप यहाँ पर डिपॉजिट और विड्रॉल कर सकते हो, यानी कि 3:15 बजे आप यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हो बाइनेंस में LUNC को और USDC को, ठीक है, जो ओल्ड आपके टोकन थे, ठीक है दोस्तों। अब न्यू लूना एयरड्रॉप किस किस को मिलने वाला और कैसे कैसे मिलने वाला है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। प्री अटैक, यानी कि जब इस पर अटैक हुआ था, या जो समझ लीजिए प्राइस ड्रॉप होने से पहले की प्राइस की बात करते हैं, लूना ओल्ड और एंकर USD जो था 7:05 को 3 बजे, ठीक है, UTC के हिसाब से, मतलब 8:30 बजे से रात को 7:05 को, ठीक है, एट ट्रैक क्लासिक ब्लॉक की बात छोड़ दी, हमें टाइम देखना, इस टाइम से पहले रात को 8 बजे से पहले 7 मई को, उससे पहले का आपका टाइम का स्नैपशॉट लिया जाएगा, ठीक है, जो 7 तारीख से पहले वालों के लिए है ये। अगर आपके पास 10,000 से कम लूना है, ठीक है, और पुराने वाले, तो आपको ऐसे डिश आपको नया लूना मिलेगा, 30% आपको दे दिया जाएगा 31 तारीख को ही, ठीक है, 8:30, यानी कि करीब करीब 2:30 बजे, 2:30 बजे आपको दोपहर को आपके टोकन आपके अकाउंट में आ जाएंगे बाइनेंस अकाउंट में लूना के नाम से, ठीक है, 30% टोकन। और उसके बाद जो 70% टोकन का क्या होगा, वो आपको दिसंबर 22 से मिलेंगे मंथली बेसिस पर, 24 महीने तक, यानी 2 साल तक आपको मिलते रहेंगे आपके 70% टोकन, यानी कि मेरे हिसाब से मंथली बेसिस पर आपको 3-3% देने वाले हैं ये, ठीक है, वो भी पूरे 2 साल तक। ये तो पूरा आइडिया बना के रख दिया इन्होंने।
अब 10,000 से ज़्यादा लूना है आपके पास पुराने वाले, ठीक है, तो आपको फ्रॉम जून 2023 से यानी करीब करीब 1 साल बाद से आपको मंथली डिस्ट्रीब्यूशन होंगे 2 साल तक के लिए, मतलब 2024-2025 तक आपको जाके आपके सारे टोकन मिलेंगे अगर आपने ज़्यादा टोकन लिए हैं तो। अगर 1 मिलियन से ज़्यादा हैं, ठीक है, 10 लाख से ज़्यादा आपके पास, तो उसमें 48 महीने तक, इन्होंने तो अच्छा फंसाया है, ये तो 2027 तक आपको टोकन देंगे अगर आपके पास इससे ज़्यादा टोकन है, यानी किसी भी कॉइन की इतनी होल्डिंग नहीं रखनी चाहिए, इनका कहने का मतलब ये है लूना। अब चलते हैं ओल्ड एंड यूएसटी ओल्ड स्टेकिंग यूजर्स, ठीक है, जिन्होंने ये स्टेकिंग की हुई थी, जैसे मैंने भी यूएसटी की भी स्टेकिंग की हुई थी, तो उन्हें 30% ऑफ द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बिफोर, वही सेम है आपका, 30% मिल जाएगा, बाकी आपको 2 साल में देंगे, ठीक है, दिसंबर के बाद, मतलब कि पूरा 2023-2024 तक आपको लास्ट तक ही मिलने वाला है, यानी कि आज से 2.5 साल बाद, 2 साल मत समझिए यहाँ पर आपको, दिसंबर से भी यहाँ पर भी 6 महीने पड़े हुए हैं आपके पास, और अभी तो मई चल रहा है, ठीक है। यूएसएस स्टेक्ड यूएसटी ओल्ड विद बाइनेंस टेकिंग वुड देन बी स्टेक्ड ऑन चेन एंड एंकर यूएसटी एज द यील्ड बियरिंग टोकन देन यूएसटी ओल्ड टेकिंग यूजर ऑन बाइनेंस आर सो कवर्ड बाय द रिकवरी प्लान। आपने अगर बाइनेंस के अंदर अगर पैसा लगा रखा था स्टेकिंग पे तो मिलेगा आपको, सीधा सा फंडा ये है। और प्री स्नैपशॉट विल इंक्लूड लूना बैलेंस इन स्पोर्ट अप मार्जिन सेविंग स्टेकिंग कॉइन मार्जिन, जहाँ पर भी आपका पैसा पड़ा था, लूना टोकन पड़े थे, ठीक है, वो आपको काउंट होगा, ठीक है, उनको स्नैपशॉट लिया जाएगा, बट विल एक्सक्लूड यूएसडीटी मार्जिन फ्यूचर अकाउंट, बस यहाँ पर छोड़कर, ठीक है, यूएसडीटी मार्जिन फ्यूचर अकाउंट, ठीक है। अब चलते हैं अटैक होने के बाद स्नैपशॉट, ठीक है, मार्जिन और क्रिप्टो लोन्स और लूना ओल्ड यूएसडी ट्रांसफर टू स्पोर्ट अकाउंट फ्रॉम दिस अकाउंट विल नॉट क्वालिफाई टू रिसीव फ्रॉम द टोकन बोरोड फ्रॉम मार्जिन, ठीक है, मार्जिन में आपने उधार लिया हुआ, क्रिप्टो लोन लिया हुआ हो और लूना ट्रांसफर टू स्पोर्ट अकाउंट फ्रॉम दिस अकाउंट, ठीक है, अगर इन अकाउंट से आपने ट्रांसफर किया हो स्पोर्ट अकाउंट में तो वो क्वालिफाई नहीं होंगे इस एयर ड्रॉप के लिए। Binance Staking will make a further announcement more details to related to the airdrop, ठीक है, तो अभी थोड़ा सा और लॉग्ड स्टेकिंग अकाउंट्स, तो स्टेकिंग अकाउंट के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन ये देने वाले हैं। इनका ये प्लान पढ़ना चाहे तो आप यहाँ से जाके इसको रीड कर सकते हैं, इसका लिंक मैं पेज का आपको दे दूंगा। बाकी ये देखिए 26 तारीख को ये रात को 9:30 अनाउंसमेंट इन्होंने भी कर दिया था कि गेट लिस्टेड ऑन KuCoin, 27 तारीख को ये लिस्ट होने वाला है, देखिए ये रहा। और हाँ, इसमें क्या है, अवेलेबल ऑन कुछ सपोर्टिंग ट्रेडिंग पेयर्स आर LUNC USDT, LUNC USDC, USDT एंड USTC USDT, मतलब ये ट्रेडिंग पेयर इसके अंदर अवेलेबल होने वाले हैं, और जो पुरानी चेन थी वो भी काम करेगी रीब्रांडेड एज टेरा क्लासिक के नाम से, ठीक है, टेरा के जो स्टेबल कॉइन थे USDT, KRT, UT, ये इनका नाम बदल जाएगा USDC, KRTC, UTC एक्सेट्रा, ठीक है, ये अपडेट है दोस्तों, बस इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। आप प्लीज़ टेक नोट द फॉलोइंग शेड्यूल, ट्रेडिंग 26 मई, ठीक है, ये आप यहाँ पर सारी चीज़ देख सकते हो कि आप इन्होंने सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, आपको मिलेगा बस 30% पैसा मिलेगा। एक चीज़ आपको यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बता दूँ कि जैसे ही आपको पैसा मिलता है 30% मिलता है, लोग है ना तनादन डंप करेंगे कि चलो जो भी पैसा अपना निकाल ले, क्योंकि अभी इसके ऊपर किसी को ट्रस्ट नहीं रहा, ठीक है, तो जो भी पैसा आएगा उसे सडन डंप कर दिया जाएगा। इन माय ओपिनियन इट इज़ योर चॉइस कि आप इसके अंदर बने रहना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, ठीक है, पर मेरे ओपिनियन में ये डंप ही डंप होगा जैसे 30% टोकन मिलते हैं, ठीक है, उसके बाद लोग इसके अंदर बाय सेल शॉर्ट्स जो भी है वो आगे के सिनेरियो हमें देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपको जाते रहे एक चीज़ और बता दूँ कि कौन कौन से एक्सचेंजेस को सपोर्ट कर रहे हैं, KuCoin, FTX, Bybit, Binance, Crypto.com, CoinDesis, Gate.io, Bitru, BitGet, वो भी एलबैंक, हिट BTC, बिटफिनिक्स, इन सब ने अनाउंसमेंट कर दिया है, बाकी भी वजीरेक्स अभी बचा हुआ है, वजीरेक्स देखते हैं करते हैं कि नहीं करते हैं, बाकी बिटबीनेस भी बचा हुआ है, देखते हैं इनकी तरफ से होता है कि नहीं होता है, बट आई होप ये भी जल्दी कर देंगे, क्योंकि जब एयरड्रॉप दिया जाएगा तो सारे एक्सचेंजेस के अंदर ही दिया जाना चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, थैंक यू वेरी मच।